गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और आज जो ये अभी मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, ये काफी स्पेशल है क्योंकि अभी मैं उदयपुर की तरफ आ रहा था। काटोली से आज कैंप ड्यूटी थी, वहां से मैं आ रहा था। और अभी यहाँ पे पुराना के अंदर एक यहाँ पे मैंने एक सुना था कि शाम के समय जो है मिर्ची के मिर्ची बड़े बोल सकते हैं या फिर मिर्ची के पकौड़े जो है वो बनाए जाते हैं। तो वो जो है यहाँ पे वो स्टॉप दिख गई, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट करते हैं आज और लेकर के चलते हैं घर पे। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि यहाँ के बारे में मैंने देखा था और सुना भी था, पर कभी यहाँ पे आना हो नहीं पाया। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने एकदम से यहाँ पे काफी सारी भीड़ खड़ी हुई देखी, तो सोचा कि चलो टेस्ट भी कर ही लेते हैं, सुना हुआ है तो। अभी ये बन रहे हैं। मिर्ची बड़े बोलते हैं, पर मिर्ची बड़े तो नहीं है ये, आप मिर्ची के पकोड़े बोल सकते हो। और ये जो है यहाँ पे 10 रुपए के 5 के हिसाब से यहाँ पे दिए जाते हैं, आप देख सकते हो। ये तो ये गर्मा गर्म निकले हैं अभी, पर काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं तो अपने को शायद तक नेक्स्ट वाले स्लोप में मिलेंगे। इनके बारे में आपने काफी सारे पोस्ट वगैरह में पढ़ा होगा कि 10 रुपए में 5 जो मिर्ची बड़े यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपन देख भी ले कि 10 में 5 किस तरह। तो ये मिर्ची पकौड़े की तरह है। गाइस, तो यहाँ पे जो मिर्ची पकोड़े जो बनाए जाते हैं उनको थोड़ा सा मिर्ची बड़े जो होते हैं उन स्टाइल में कि अंदर जो पतली पतली छोटी छोटी के अंदर पहले मसाला भरा जाता है और उसके बाद बेसन में डीप करके फिर उनको तेल में तल लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे, तो अभी घर पे ले जाके मैं आपको इनको टेस्ट करके भी बताऊंगा कि किस तरीके के है। 10 रुपए में 5 मिलते हैं तो क्या टेस्ट कैसे है और कैसा स्वाद है वो सारी चीजें। पर अभी अपन यहाँ से पैक करवाते हैं, वेटिंग थोड़ा करना पड़ेगा अपने को। तो अपन सही टाइम पे आ रहे थे ताकि अपने को शाम को मिल गए ये आज। भीड़ आप देख सकते हो, काफी सारे लोग खड़े हैं वेटिंग में। जी हाँ गाइस, तो ये अभी बन करके तैयार है मिर्ची बड़े। तो अभी अपना नंबर नहीं लगने वाला है इस लोट में, अपना नंबर लगेगा नेक्स्ट लोट में। जाम बहुत ज्यादा लग रहा है आप देख सकते हो। गाइस, तो अब चलते हैं घर पे। जी हाँ गाइस, तो आप घर पे लेकर के आ गए हैं क्योंकि वहाँ तो अपने पास सामान इतना था कि वहाँ पे टेस्ट कर नहीं सकते थे। तो अब टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये वैसे सबने मिर्ची बड़े करके मैंने भी बहुत सारी पोस्ट देखी थी, पर ये एक्चुअल में जो है वो आप ये समझ सकते हैं मिर्ची के पकौड़े हैं। आप साइज देख सकते हो, मिर्ची के पकौड़े हैं ये। तो अभी टेस्ट करते टेस्ट कैसा है। स्पाइसी काफी ज्यादा है, तो जिनको स्पाइसी पसंद है वो ये टेस्ट कर सकते हैं, स्पाइसी है। बाकी जो अपन बात करें तो मिर्ची के जो पकोड़े होते हैं वैसे ही पकोड़े हैं, कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि जो अपना एक मिर्ची बड़े का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट तो अपन नहीं कह सकते, वो कहीं भी नहीं है। मिर्ची के सिंपल पकौड़े हैं। तो आप कभी अगर स्पाइसी मिर्ची के पकौड़े टेस्ट करना चाहे तो आप टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी टेस्ट एवरेज है जैसा मिर्ची के पकौड़े का होता है, पर कोई ऐसा स्पेशली जो पोस्ट मैंने देखी है वैसा कुछ तो नहीं लगा। तो सबसे पहले तो पानी पियेंगे एक बार क्योंकि
जो इतने ज्यादा स्पाइसी है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है जरूर बताइएगा, ये रेंडमली शूट किया हुआ ब्लॉग है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।